हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मजे में हूँ। और अभी हो गई है दोपहर। दोपहर को नहा धो के अब जाके फुर्सत मिली है। आज भी इतने सारे काम थे कि करते करते पूरा 1 बज गया है और लंच हम लोग का नहीं हो पाया है, तो लंच के लिए हमने मंगा लिया है पिज्जा। सोचा कौन लंच प्रिपेयर करेगा, जाने दो अभी पिज्जा खा लेते। सुबह हमने झटपट वाला नाश्ता बनाया था, नाश्ते में हमने खाया था दलिया, अभी खाएंगे पिज्जा और फिर थोड़ी देर बाद खाएंगे खिचड़ी और रात में आज पूरा प्रॉपर खाना खाएंगे। और साथ में आज है धनतेरस, तो हमें शॉपिंग करने के लिए भी जाना था, इसीलिए हमने सोचा कि कुछ ऐसे मंगा के खा लेते हैं फिर हम जाते हैं शॉपिंग के लिए। चलो चलो, बार बार अग्रिम मेरे को बुलाने आ रहा था, मामी चलो पिज्जा आ गया आ गया। मैं नहा रही थी तो बेचारा मेरे को बार बार आवाज दे रहा था ना। हाँ चलो आ गया। आज काम करते करते ना किसी को फुर्सत नहीं मिल रही थी। सुबह से सब लोग लगे थे पूरा, ऊपर से नीचे ये काम वो काम, कितना सारा। तो फर्नीचर हमने डाइनिंग टेबल नीचे था उसको ऊपर किया, यहाँ से कुछ चीजें नीचे ले जाके रखी, वही सब सेटल करने में पूरा 1 बज गया। और अभी धनतेरस की शॉपिंग बाकी है हम लोग की, है ना अग्रिम? हेलो, जल्दी से खाओ जल्दी से। गरम होगा, गरम टिश्यू खा। आराम से आराम से भाई, इतनी जल्दी नहीं। आ जाओ इधर आ जाओ, हम दोनों साथ में खाएंगे। इतना थोड़ा कुछ नहीं, क्या हुआ? चीज चिपक गया। माँ नीचे हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इसको लेके नीचे ही जाते हैं, वहीं जाके खत्म करते हैं। और पापा हैं सबसे ऊपर, तो एक दो स्लाइस उसकी इसमें मिक्स करके पापा को निकाल के दे देंगे ऊपर, और हम लोग भी जाएंगे नीचे, नीचे जाके खाएंगे। माँ थक जाते हैं यार ऊपर नीचे करने में, सुबह से कई बार ऊपर नीचे कर चुकी हैं। ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नानी थक जाती है ना, तो चलो फिर पिज्जा लेके नीचे। अरे वो तो आपका है, ये उठाओ ये डब्बा। वो डब्बा है, उनको पकड़ा था अभी। ये है पिज्जा मेरे लिए, कौन सा है? आपके लिए ये है, जो मन करे वो ले लो। पिज्जा खाने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं धनतेरस की शॉपिंग करने। वैसे तो मैं और माँ जाने वाले थे, अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं संगम दी और पतिदेव को लेके मैं जा रही हूँ। बेसिकली शॉपिंग नहीं, मैं इनको दिवाली के कपड़े दिलाने जा रही हूँ। ये मुझे बहुत कुछ दिलाते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनको दिवाली के कपड़े दिला देती हूँ। तो मैं इनको दिलाने जा रही हूँ दिवाली के कपड़े, और साथ में घर का कुछ छुटपुट छुटपुट सामान लेना है, तो वो लेने के लिए हम लोग निकले हैं। चलिए हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, और आज हम लोग से निकले। इतनी भीड़ होगी ना बाहर। हाँ देख रहे हैं, यहाँ भी भीड़ है, यहाँ तो खैर हमेशा ही भीड़ रहती है, अभी तो हम लोग मार्केट पहुँचे ही नहीं है। अयो कौन सी गलियों से लेके चल रही है ये, मेन रोड पे भीड़ होगी, जिसके लिए हम लोग को एकदम गली गली से लेके संगम भी चल रही है। पता नहीं कौन से कोपचे से खराब रास्ते से लेके चल रही है। वाइट ले लेंगे? हाँ वाइट, देखिए फिर और कलर, येलो नहीं तो है, येलो नहीं। कुछ ऑप्शंस देखने के बाद एक कुर्ता जो है वो हमने चूज कर लिया है, और वो है ये जिसको इन्होंने ट्राई कर लिया है, वो हम दोनों को पसंद आया तो वो हमने फाइनल कर दिया, उसको रखेंगे। साथ में प्रिंटेड हम कुछ कुर्ते देख रहे हैं, अगर वो भी हमें पसंद आ जाता है तो हम एक और लेंगे, एक के बदले दो, दो दिला दूंगी मैं आपको। बस पसंद आ जाए।
ये भी ठीक लग रहा है। तो ये दोनों जोड़ी कपड़े हमने ले लिए हैं और मैं दिलाने वाली थी इनको, तो कैश मैं दे देती हूँ इनको, और ये पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, इसलिए मैंने कैश अपना दे दिया इनको कि आप रख लो। मैंने दिए थे कल, मैंने आपको दिए थे, वो आपने वापस मुझे किए थे, अभी वापस मैंने आपको वापस कर दिया। अभी मैं आ गई हूँ कुछ फ्लावर वगैरह डेकोरेशन के लिए लेने के लिए, लेकिन भाई साहब बहुत महंगा है सब कुछ मार्केट में। पतिदेव के कपड़े फाइनल करके और थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान लेने के बाद, अभी पतिदेव मेरे को बोल रहे थे कि तुम भी अपने लिए कपड़े ले लो, तो मैं भी आ गई हूँ अपने लिए कपड़े लेने। ऊपर वाला लग रहा है, हाँ वो भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये नहीं ठीक है, इनको ही सूट पसंद नहीं है, तो हम अंदर जाके देखेंगे। और हो गए आप लोगों के कपड़े फाइनल? ट्रायल ले रही है वो, है मैं भी आई हूँ सूट देखने। हाँ बाहर से देख के एक अच्छा लग रहा था। हाँ कितने की दी हुई है? बहुत ट्रैफिक है, बहुत भीड़ है यहाँ पे। स्कूटी से हम लोग आए ना, उसके बाद भी निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। मैं अपने लिए कपड़े देखने गई थी लेकिन मेरे को कुछ भी पसंद नहीं आया, तो हम वहाँ से निकल आए, निकल के अभी यहाँ से जा रहे हैं बंगला बाजार, वहाँ से जो लेना रहेगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, कहीं पे गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है, तो भाई यहाँ से निकलेंगे सीधे। और दीदी लोग यहीं पे मार्केट में है, वो अपना शॉपिंग करके आते रहेंगे, हम दोनों लोग निकल जा रहे हैं यहाँ से। ये देखो एकदम खतरनाक है। और अच्छा क्या था, हम लोग स्कूटी से आए थे, अगर कहीं कार से आ जाते ना तब तो फिर पता नहीं क्या ही होता। अभी हम सारी शॉपिंग करके आ गए, बस हमें लेना है अपने फ्लावर्स के लिए एक पॉट, तो मैं पॉट देख रही थी, इनको कोई पसंद ही नहीं आ रहा, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इनके पास रेट जो है ना बहुत रिजनेबल है, ये 400 का है, वो 500 का है, उसमें भी वो 480 का देने के लिए रेडी है, लेकिन ये बोल रहे हैं इतनी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग नहीं है, लेकिन मेरे को ठीक लग रहा है यार, अब इससे अच्छी क्या ही फिनिशिंग है। ले लो ले लो ले लो, बहुत, क्योंकि और जगह मैंने देखा ना बहुत महंगा था, तो ये रेट मुझे रिजनेबल लग रहा था, मैं सोच रही हूँ यहाँ से ले लेती हूँ, और साथ में भी प्लांट्स लेने हैं वो लेके करते हैं। हाँ ठीक, चलो वाला ले लें। हाँ दोनों ले लो, चलो जाके मत बोलिएगा तुमने लिया, फिनिशिंग नहीं है, ये नहीं है, हमको क्या करना। कुछ पौधे भी हमने ले लिए हैं, लेना तो बहुत सारे पौधे थे, लेकिन नर्सरी लगा लेकिन हमारे पास अभी ले जाने के लिए ना जगह नहीं बची है, ले कैसे जाएंगे अभी। पॉट भी हमने जहाँ से लिया है ना, पॉट भी हम दुकान पे ही छोड़ के आए हैं कि वापस जाके लेंगे। पैक कर दो भैया, हम बैठ जाएं, उसके बाद हमें पकड़ा देना, ठीक है? धनतेरस की पूजा संपन्न हुई। भगवान जी खूब सारी सुख शांति धन संपत्ति इस घर पे बनाए रखें, एक्चुअली पूरी दुनिया में बनाए रखें, सिर्फ इसी घर में नहीं, बाकी जिस जिसको जरूरत है ना सबके घर पे बनाए रखें। सबको जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है? खैर धन संपत्ति की तो सबको जरूरत होती है, हमको लेकिन धन संपत्ति की नहीं, हमको मन की शांति की बड़ी जरूरत है। भगवान जी हमको सबसे पहले मन की शांति दे, उसके बाद जो देना है वो दे। निकलने की खराब ना हो जाए।
अरे तुम वो पकड़ के क्यों निकाल रहे हो? खाना खा के हम लोग छत पे आए थे वॉक करने, तो हमें याद आया कि शाम में हम कुछ पौधे लेके आए थे, तो उनको हम लगा देते हैं गमले में। तुलसी का पौधा मैंने लगा दिया और दो ऐसे ही शोपीस वाले पौधे थे तो उनको भी मैंने लगा दिया। एक हमने बाल्टी का बाल्टी खा ली थी तो हमने सोचा एक गुलाब का पौधा जो है वो हम इस बाल्टी में लगा देते, बाकी तीन पौधे हमारे पास बचे हैं उनके लिए हम गमले लेके आएंगे तब हम लगाएंगे। और साथ में इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी हम ख़त्म करेंगे, आपसे मिलेंगे कल दिवाली वाले दिन। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट और हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। यार ये तो इसमें लग रहा है ज़्यादा मिट्टी हो गई है, मिट्टी खाली करनी पड़ेगी इसमें, निकाल लो।